आपसे दो सब तो पूछो। हमें तो मालूम है, हम तो आज जानी। हाँ तो बता देना क्या आज आज पता क्या कुछ आगे बढ़ेगा। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा। तो बात करते हैं माता जी, यहाँ पर आप की खड़ी है, देश की हमारी तरक्की होगी। कहना देखो पेट्रोल निकलेगी, महंगाई नहीं होगी इतनी। क्या बताया जा रहा है आपको? बताया जा रहा है कि यहाँ है पेट्रोल और तेल डीजल। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ। क्या नाम है आपका? कुसुमा देवी। परमिशन तो उनके पास शासन से है, बताया गया है। उनका एक पत्र आया था जो हमारे पास ये 24 अक्टूबर को एक पत्र आया था। उस पत्र में वंजीसी का कोई प्रतिनिधि भी था, तो उन्होंने ये उस पत्र में लिखा है कि गंगा बेसिन में वंजीसी द्वारा नेचुरल गैस और का एक्सप्लोरेशन वर्क होना है और इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो गुड़गांव की एक कंपनी है उसको, और उन्होंने बताया था कि निकट भविष्य में ये एक्सप्लोरेशन वर्क। जो तेल शोधक यहाँ पर वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने पूरी टीम के साथ यहाँ पर जो देखा है कि तेल कितना मात्रा में है, उसके हिसाब से यहाँ पर हर जगह पर एक झंडी लाल कलर की लगा दी गई है, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको ये झंडी है। और हमारे साथ में यहाँ पर किसान भी आए हुए हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं यहाँ पर खेतों में, जो उससे आगे की क्या समस्या हो सकती है उनके लिए। और जब हमने किसानों से बात की तो उन्होंने भी यही बता रहा है कि यहाँ पर जो भी हो उनके पक्ष में निर्णय लिया जाए। हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ क्या समस्या है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद। सुरेश चंद जी, ये जो झंडियाँ लगाई गई हैं वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मतलब यहाँ तेल के यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, भैया लोग, उन्होंने यहाँ बोरिंग करके चेक की तो यहाँ डीजल का कुछ स्रोत, मतलब क्रूड ऑयल का स्रोत ही मतलब उन लोगों, तो उन लोगों ने ये झंडियाँ यहाँ लगवा दी। लेकिन उन लोगों से मतलब सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि किसी किसान भाई के लिए अनहित ना किया जाए, उसका उचित जो है ज़मीन जायदाद सब कुछ जाने के बाद उसे उचित रेट प्राप्त, तो ऐसा ना किया जाए कि वो गरीब किसान है सब, तो उसके साथ ज़्यादा अनहित ना किया जाए, ये मेरा कहना है आपसे। गांव में कच्चे तेल की मात्रा पाई जा रही है, गांव में कच्चे तेल की मात्रा पाई जा रही है, इससे आप लोगों में एक खुशी भी बनती है और भारत की खुशी तो है, वो तो ठीक है, खुशी तो बनती है कोई चीज़ की अगर शोध हो गई अपने देश में अपने घर में हो गई तो हमें ज़्यादा खुशी है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके साथ साथ सरकार से मेरा ये कहना है, गुजारिश है कि किसी किसान भाई का अनहित न किया जाए। ये जो लाल कलर में झंडी आपने भी देखी है लगाई गई है, आपकी जमीनों में लगी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मतलब जानकारी उन लोगों से हमने पूछी, झंडी जब लगी थी देखी तो हमने उन लोगों से पूछा कि भैया झंडी क्यों लगा रहे, तब उन लोगों ने जो शोध किया है तो उनने कहा देखो इस जमीन पे इसलिए लगा रहे कि यहाँ ये क्रूड ऑयल का जो है वो सब पेपर में भी दिया था, तो हमने ठीक है वो देखते रहे, जो आता है वो देखता पूछता है तो यही बताना पड़ता है। जिस तरीके के किसानों से हमारी बात हुई है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की मात्रा अधिक पाई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाल झंडी लगाई गई है, चिन्हित किया गया है ये खेत, और इस तरीके से कई खेत चिन्हित किए गए हैं। कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव, ईटीवी भारत।